हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत फॉर्म अप्लाई किया था तो उसकी न्यू लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट में आप अपना नाम पता करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो भारत सरकार के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में गैस चूल्हा और विद रेगुलेटर पाइप का आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की लिस्ट में आप अपना नाम कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे माई LPG। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.mylpg.in, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप माई LPG के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन कंपनियों के सिलेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं, भारत गैस, HP, इंडेन। इनमें से आप जिसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था उस सिलेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने HP गैस के लिए ऑनलाइन किया था, तो यहाँ पर HP गैस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। LPG सिलेंडर को सिलेक्ट करते ही आप उस गैस LPG सिलेंडर के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे और इस पेज का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है उज्ज्वला बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करेंगे। उज्ज्वला बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको ऊपर कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में नीचे आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद साइड में स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ उज्ज्वल बेनिफिशियरी, यानी कि जो भी बेनिफिशियरी के लिए ऑनलाइन किया था वो इतने लोगों ने ऑनलाइन किया था। अब यहाँ पर लिस्ट में नाम पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन जाता है प्लीज सिलेक्ट स्टेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेट की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। इनमें से जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद साइड में स्क्रॉल करेंगे, साइड में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है प्लीज सिलेक्ट ए डिस्ट्रिक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। इनमें से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत फॉर्म अप्लाई किया था उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप कंज्यूमर का नाम देख सकते हैं और इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो नीचे आपको पेज देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेज को चेंज करके उसमें अपना नाम पता कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट पेज में भी अपना नाम नहीं दिखता है तो यहाँ पर इसी प्रकार 1476 पेज दिए गए, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में अपने नाम को पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनकी लिस्ट में आप अपना नाम पता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।